हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो आज है दिन सैटरडे और आज से मैंने मतलब स्टार्ट कर दिए है अपने घर की साफ़ सफाई। करवा चौथ ख़त्म हो गया तो अब दिवाली की धूम लगेगी। दिवाली में मतलब दिवाली के आने से पहले ना 10 दिन पहले से इतने काम हो जाते हैं और ये काम ऐसा है कि ना करो तो मन लगा रहता है कि नहीं मुझे करना है। तो मैंने कहा चलो आज से शुरू कर देते हैं। एक एक दिन हम एक एक रूम की सफाई करेंगे ना तो 10 दिन ऐसे ही बीत जाएंगे। तो मैंने कहा चलो आज इसी रूम से स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर सफाई कर लेती हूँ। खाना पीना सब हमारा हो गया है, बस अम्मा ने खाई है। अम्मा स्कूल गई हुई है, मैंने आपसे बताया था वो आंगनबाड़ी में है तो वो स्कूल गई है, इस वजह से वो अभी नहीं आई है। तो तब तक मैंने अपने यहाँ पर काम भी शुरू कर दिए हैं। जब वो आएंगी तो उन्हें खाना दे देंगे। बाकी के सारे काम हो गए हैं। थोड़े से बर्तन बचे हैं, उसे मैंने रख दिया है, कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि पहले ये काम भी ज़रूरी है। उसमें लग जाओ तो फिर सारा समय सब बीत जाता है, तो लगता है कि कब स्टार्ट करेंगे तो कब ख़त्म होगा। तो अभी ये मतलब 12:30 के अराउंड हो रहे होंगे ये जो टाइम है। तो चलो फिर सफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो गाइज यहाँ पर ये आपने देखा, ऊपर ऊपर की सफाई जब करनी होती है ना तो नीचे से कोई कुछ करता जाता है तो हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पर फैन साफ करना था तो मैंने कहा चेयर ला दो, तो गुनी ने कहा चलो मैं स्टूल पकड़ी। मैंने भी कहा जय श्री राम, इन लोग के भरोसे चढ़ जाओ, लेकिन फाइनली सही से मैं चढ़ी थी, सही से उतर भी गई। सो फाइनली गाइज एक रूम मेरा जो है कंप्लीट हो गया है साफ़ सफाई। तो मैंने कहा चलो मैं भी कुछ थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग अपनी भी कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। तो अभी जो समय हो रहा है वो है मतलब कि दोपहर भी नहीं कह सकते, शाम भी नहीं कह सकते, 3 बज रहे हैं और मैं जस्ट अभी फ्री हुई हूँ। मैंने मतलब एक कमरे की एकदम डीप क्लीनिंग कर ली है। अब बस दिवाली तक उसको बस रोज़ जैसे करते हैं डेली रूटीन में वही करते रहेंगे, बस सफाई हो गई है। एक कमरा तो जाके निपटा है, मतलब करवा चौथ ख़त्म हुआ है तो अब दिवाली की मतलब शुरुआत हो गई है। वैसे तो हम डेली साफ़ सफाई करते हैं लेकिन दिवाली की जो डीप क्लीनिंग होती है उसका मज़ा ही कुछ अलग है, उसको करे बिना चैन नहीं आता है। आप जितना भी रोज़ अच्छे से जो है अपनी डेली रूटीन में अपनी साफ़ सफाई करते हो, झाड़ू पोछा करते हो, लेकिन दिवाली की जो डीप क्लीनिंग होती है ना उसको करने में मतलब मन लगा रहता है, नहीं यार सफाई करनी है, दिवाली आ रही है। तो एक कमरा मेरा हो गया है और अभी शाम हो गई है, कुनी के पापा भी आने वाले हैं, चल रहे हैं, अब देखते हैं क्या बनाते हैं नाश्ते में। तो कुछ सोचते सोचते मुझे ये समझ में आया कि चलो ढोकला बनाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ न्यू स्टाइल से ढोकला बनाऊंगी। न्यू स्टाइल मींस कि सारा बैटर वैसे ही रहेगा लेकिन मैं ढोकला बनाऊंगी इडली स्टैंड में। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है बेसन। तो बेसन आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिलहाल मैंने 2 बाउल लिया है यहाँ पर, तो बस यहाँ पर मैंने 2 बाउल्स बेसन ले लिया है और इसमें मैंने डाला है 4 स्पून रवा यानी कि सूजी। तो बस इन दोनों को मिक्स करके इसे हमें मतलब इसमें हम डालेंगे कुछ थोड़ा सा इसको तीखा स्पाइसी बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ अदरक डाल दिया है ग्रेट करके, उसके बाद इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिली, अगर आप चाहो तो पाउडर भी डाल सकते हो रेड चिली पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1/2 टीस्पून शुगर। तो बस इन सारी चीज़ों को हमें मतलब, और हाँ इसमें मैंने डाल दी थी हल्दी, बहुत थोड़ी सी डालनी है, ज़्यादा हो जाएगी तो मीठा सोडा पाकर वो उसका कलर एकदम बेकार सा हो जाता है, और थोड़ी सी हींग। तो बस इन सारी चीज़ों को हमें मट्ठे से मिलाना है, मट्ठा मीन्स छाछ, तो ये घर की छाछ है। तो बस पहले छाछ डाल देंगे, उसके बाद इसको सूखा सूखा सा ही हमें पहले इसको घोल बना लेना है। डायरेक्ट अगर पानी और छाछ सब इकट्ठे डाल देंगे ना तो लम्स पड़ जाते हैं। तो ये देखिए पहले इसको मैंने सूखा सूखा सा मिक्स कर लिया, अब इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। अब पानी डालकर इसको हमें मिक्स कर लेना है और इसकी एकदम गाढ़ी कंसिस्टेंसी वाला हमें बैटर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए आप देख सकते हो मैंने इसे मिला लिया है। अब इसे मिलाने के बाद ना 10 मिनट के लिए हमें रेस्ट करने देना है। तो 10 मिनट रेस्ट कर लेने के बाद में ये देखिए
10 मिनट रेस्ट हो चुका है, तब इसमें हम डाल देंगे मीठा सोडा 1/2 टीस्पून। और मीठा सोडा डालने के बाद इसे जेंटली मिक्स कर लेंगे बहुत हल्के हाथों से, और तुरंत से हम इसे बना लेंगे। इसे मतलब मिलाने के बाद ना रखना नहीं है बहुत देर तक, बस तुरंत हमें इसे यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर इडली स्टैंड मैंने ले लिया है, तो पहले इसे ग्रीस कर लिया है, और ग्रीस कर लेने के बाद इसमें सारे बैटर हम डाल देंगे। ध्यान रहे बैटर हमारा बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा थिक थिक सा ही होना चाहिए, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो। तो बस सारा मतलब बैटर मैंने इडली स्टैंड में सेट कर दिया है, और अब इसको हम जो है कुक कर लेंगे। तो कुक करने के लिए यहाँ पर कुकर में मैंने आधा ग्लास पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, फ्लेम को मीडियम कर दिया था, और इसे इसमें सेट कर देंगे। और 10 मिनट के लिए घड़ी देखकर ओनली सिर्फ 10 मिनट हम इसे कुक कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर 10 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा इडली ढोकला रेडी है। अब इसे ठंडा होने देंगे हम, 10 मिनट ठंडा होने के बाद ही निकालेंगे, नहीं तो ये एकदम अच्छे से नहीं निकलता है, फूट जाता है। तो 10 मिनट ठंडा हो गया तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ, ये देखिए। और बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही टेस्टी बना था, क्योंकि वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रही हूँ। तो अब इसे हम लगाएंगे तड़का। तो तड़के के लिए पैन में मैंने यहाँ पर ले लिया है तेल, ये मूंगफली का तेल मैंने लिया, आप चाहो तो कोई भी तेल ले सकते हो। तो इसमें मैंने मस्टर्ड डाल दिया, मस्टर्ड सीड यानी सरसों, और जीरा डाल दिया है, और 1/2 टीस्पून इसमें लगभग मैंने सफ़ेद तिल डाला है। और इसके बाद इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी हींग, और इसे अच्छे से हम इसे मतलब खुशबू आने तक हम इसे भून लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने फ्रेश करी लीफ डाली, आप सोच रहे होंगे कितनी ज़्यादा डालती है, हमारे यहाँ मतलब सबको अच्छा लगता है इसलिए इसकी क्वांटिटी थोड़ी मैं ज़्यादा रख देती हूँ। और थोड़ा सा इसमें डालेंगे साबुत रेड चिली, सूखा मिर्चा जो होता है, और इसमें आधा कप से भी कम इसमें डाल देंगे पानी। और इसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी शुगर, क्योंकि ध्यान रहे बैटर में भी मैंने डाला था, एक्चुअली उसमें पड़ चुका है अच्छे से। तो बस इसे अच्छे से पका लेंगे, और उसके बाद इसके ऊपर हम इसको स्प्रेड कर देंगे। बहुत ही टेस्टी बनी थी ये, देखिए आप देख सकते हो कितना देखने में यमी लग रहा है ना, सुपर एकदम लग रहा है। तो आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई करिए, इसके साथ कोई भी चटनी आप ले सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पर मूंगफली की चटनी ली थी, और ये देखिए कितना स्पंजी बना है, आप देख सकते हो जालीदार। तो मूँगफली की चटनी पुदीना डालकर बहुत ही टेस्टी टेस्टी सा, आप भी इस तरह बनाइए और बनाकर खाइए, और मुझे कमेंट में बताइए कैसा लगा। तो ये देखिए यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, चेस खेल रहे हैं, तो इन लोगों को मैं दे देती हूँ सर्व करके। सो गाइस, यहाँ पर शाम हो चुकी है, नाश्ता पानी हमारा सब हो गया है, और अब हम चल रहे हैं कपड़े प्रेस करने थोड़े से, उसके बाद मुझे जलाना है दिया, और बस। और आपको मेरी मतलब ये ढोकला की रेसिपी इडली स्टैंड में कैसी लगी, आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए अपने फटाफट से हम काम कर लेते हैं। सो गाइज, ये देखिए गोधली का समय एकदम 6 बज रहे हैं, लेकिन कितना अंधेरा हो गया है, जैसे लग रहा है कि रात हो गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों लोग कितनी लड़ाई कर रहे हैं, और यार एक पर लड़ाई करते हैं, एक पर साथ में खेलने भी लगते हैं, अजीबोगरीब इन लोगों का भी तालमेल है। सो गाइज, दिया हुआ हमारा चल गया है, शाम हो चुकी है, गोधली का समय है, गोधुरी का है। गोधुली का मतलब ना दिन ना रात ना दोपहर ना शाम, बीच का समय होता है। तो बस अब यहाँ पर दिया भी जल चुका है, और तुलसी माता के पास जो दो दिए जल रहे हैं, एक्चुअली कार्तिक का महीना लग गया है, तो कार्तिक में दिया जलाते हैं तुलसी माता को। तो वैसे हमारे यहाँ तो साल के 365 दिन दिया जलता है, तो इस वजह से मैं एक जो हमेशा जलाती हूँ वो है, और एक कार्तिक की वजह से है, तो इस वजह से दो है। तो अब यहाँ पर करती हूँ वीडियो का वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।